हम लोग जो समझने वाले हैं वो स्क्रीन के बारे में, जैसे कि पहले जो हमने आपको बताया था वो डिस्प्ले के बारे में, ग्राफिक सेक्शन समझा था, लाइव सेक्शन समझा था। जिस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में एक्चुअली क्या होता है, ये तुम्हारा जो डिस्प्ले है, लाइट है, ये टच है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक जगह जाकर के कनेक्ट होती है। जाकर के कहां पर कनेक्ट होती है, वो होता है तुम्हारा जैक। क्या होता है इसको हम लोग डिस्प्ले जैक, इसी में से हमारी कुछ लाइनें जो होती हैं वो काय की होती है भैया, डिस्प्ले की होती है। इसमें से कुछ पिने हमारी किसकी होती है, डिस्प्ले में से लाइट की होती है। इसमें से कुछ पिन हमारी जो होती है वो किसकी होती है, टच की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाकर देखेंगे तो इन तीन चीजों को मिला देते हैं, डिस्प्ले लाइट और टच। डिस्प्ले लाइट टच अगर तीनों का एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉम्बो बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्बो। कॉम्बो मतलब पूरा एक साथ, इसीलिए इसको कॉम्बो बोला जाता है, कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक मतलब सब कुछ एक साथ जिसमें मिले। तो इसीलिए क्या रहता है, इसमें से डिस्प्ले सेक्शन, लाइव सेक्शन और तुम्हारा टच सेक्शन, तुम्हारा सब कुछ एक जगह हो गया है। अब फिलहाल जितने भी आज के समय पर जितने मोबाइल फोन आ रहे हैं वो सारे कॉम्बो टच वाले नहीं आ रहे हैं, सारे कॉम्बो हमेशा कौन से आ रहे हैं, मतलब ग्लास वाले आ रहे हैं। तो जो टच होती है वो टच डिस्प्ले में इनबिल्ट होती है। अगर हम कल को किसी मोबाइल फोन में से कॉम्बो में से टच काम करना बंद कर देती है, उल्टा सीधा काम करती है, और आप अगर सोचते हैं, कई बार देखा गया उसका ग्लास भी टूटा हुआ है तो लोग सोचते हैं मैं इसकी ग्लास की कटिंग कर दूंगा, ग्लास कटिंग करने से हमारा टच सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो काम नहीं करेगा। हाँ, एक बार आप कटिंग करके देख सकते हैं कि अगर बचता है तो ठीक है, लेकिन 90% में कहता हूं कि उसमें पूरा काम वही डालना पड़ेगा, टच उसमें है ही नहीं, क्योंकि टच डिस्प्ले में इनबिल्ट है। जब डिस्प्ले में इनबिल्ट है तो अगर कल को मान लिया आप अलग कर भी देते हैं तो वो मार्केट में नहीं मिलेगा ना। अब मार्केट में अगर मिल भी गया तो उसका जब एक साथ इनबिल्ट है तो उसका कनेक्शन नहीं है तो आप जोड़ेंगे कैसे, समझ रहे बात को। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमारी घूम फिर के जो सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो टच नहीं डलेगी, वो पूरा काम वो ही डलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम टच स्क्रीन को सर्किट को समझते हैं और टच स्क्रीन सर्किट को काम करने के लिए हमारी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और काम को इसको क्यों बोला जाता है। इस बात को समझते थे आप समझ गए होंगे इसको काम को क्यों बोला जाता है। अब यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में से टच नहीं काम करती, तो टच ना काम करने का मतलब होता है, पहली बात तो हम लोग समझेंगे टच की प्रॉब्लम क्या क्या आती है। टच में पहली समस्या आती है नो वर्क, मतलब बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, पहली समस्या। दूसरी समस्या होती है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा काम कर रही है, आधा काम करने का मतलब होता है इधर का काम करे तो उधर का नहीं कर रही, उधर का नहीं तो इधर का नहीं कर रही। तीसरी चीज कोई एक एरिया बंद हो जाता है, ऐसा देखा गया है टच में से, कोई एक एरिया बंद होने का मतलब होता है आप अगर देखेंगे मोबाइल फोन में से तो टच में कहो बैक बटन काम करना बंद कर दे, या कहो छोटा सा इतना एरिया काम करना बंद कर दे, ये कहो इधर का एरिया काम करना बंद कर दे। अगर ऐसी समस्या आ जाती है मोबाइल फोन के अंदर तो हमारा टच काम करना बंद कर देता है या हमारा टच का वो एरिया काम करना बंद कर देता है, तो भी हमारे मोबाइल फोन में टच खराब हो जाती है। या आपके मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है ऑटो वर्क, ऑटो वर्क का मतलब होता है अपने मतलब टच काम करने लगती है, कोई फंक्शन आपने खोला 5-6 फंक्शन ऑटोमेटिक खुल गया, इसको बोलते हैं ऑटो वर्क। क्या बोलते हैं, ऑटो वर्क। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर इनमें से कोई भी अगर एक समस्या आती है तो आपके मोबाइल फोन में यही समस्या आती है कि आपके मोबाइल फोन में से टच काम करना बंद कर देती है और टच से रिलेटेड हमारे मोबाइल फोन के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। अब अच्छा बात करते हैं तो रिपेयर करते हैं तो रिपेयर कैसे करते हैं उसका तरीका हम लोग समझेंगे। हमारे मोबाइल फोन में टच की कनेक्टिविटी के लिए पहले मैं आपको टच की कनेक्टिविटी दो तरीके से होती है। एक तो पहला होता है जिसमें टच जैक अलग से लगा होता है, मतलब टच अलग से लगी होती थी, लेकिन अब जो नया मोबाइल फोन आ रहा है उसमें टच का जो कनेक्शन होता है वो कॉम्बो में ही होता है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया कि वो नई टेक्नोलॉजी मिली गई, वो सेम वही है, बस ये है कि उसकी जो पिन है वहां पर थी उसको उठा करके कहां डाल दिया गया है, जैक में डाल दिया गया है।
तो हम लोग उन्हीं कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। अब सबसे पहली बार टच का काम करने का सिस्टम क्या होता है, टच का काम करने का फॉर्मेट क्या होता है, वो चीज हमको समझनी पड़ेगी। टच का काम करने का फॉर्मेट समझने के लिए सबसे पहली बार हम लोग चलते हैं टच जैक पे। हमारे फोन के अंदर इस तरीके से टच का जैक लगा होता है। इस टच जैक में क्या होता है, कई बार इधर वाला होता है, कई बार पिन वाला होता है। मैं सीधे सीधे आपको पिन वाला समझाता हूँ, जिससे आपको क्या होगा एक बार में देखने पे यही रहेगा। टच को काम करने के लिए 6 पिनों की आवश्यकता होती है। कितने पिनों की? 6 पिन। कई बार पिने ज्यादा भी होती है, 6 की जगह 8 पिन हो जाती है, 12 पिन हो जाती है, 14 पिन हो जाती है। तुमको बाकी पिने बे एनसी होने लगती है, ग्राउंड होने लगती है, लेकिन वर्किंग करने के लिए कितने पिन की जरूरत पड़ती है? 6 पिन। अब अच्छा 6 पिन का रोल क्या होता है? 6 पिन में सबसे पहली पिन जो होती है वो तुम्हारे टच के लिए जो सप्लाई जाती है वो तुम्हारी पावर आईसी में जाती है। कहाँ पर जाती है वो? पावर आईसी जाती है। फिर टच की जो कनेक्टिविटी होती है सीपीयू से होती है। टच के लिए सबसे पहली बार वोल्टेज की लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? वोल्टेज की लाइन आती है। सब वोल्टेज की लाइन में क्या होता है, तुम्हारा एक डायोड लगा होता है, एक वोल्टेज की लाइन कैपेसिटर लगा होता है। फिर उसके बाद ये सप्लाई हमारी कहाँ पर जाती है? पावर आईसी में जाती है। कहाँ पर जाती है? पावर आईसी। पावर आईसी को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट में सप्लाई आती है। किसी केस में 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट तक की हो सकते हैं, ठीक है। तो टच को काम करने के लिए पहली पावर आईसी से वोल्टेज आते हैं। इस वोल्टेज को हम लोग दो वीरेक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरेक। वीरेक का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ रेगुलेट, ठीक। तो टच को काम करने के जब स्पिन पे वोल्टेज आ जाएंगे तो टच के पास से दो सिग्नल निकलते हैं। एक सबसे पहला सिग्नल निकलता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, एक बार डायोड भी लगा हो सकता है। उसके बाद इस लाइन को हम लोग बोलते हैं I2C डाटा। फिर उसके बाद टच को काम करने के लिए सेम इसी तरीके से कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगा होता है। फिर दूसरी लाइन जैसे जिसका नाम होता है I2C क्लॉक। अब I2C डाटा क्लॉक को काम करने के लिए आपने देखा होगा ये I2C डाटा क्लॉक का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? टच अपने जो नियम कायदा कानून है, सीपीयू अपने सारे नियम कायदा कानून टच को बताता है। अच्छा ये सारा कैसे काम करता है? आपने देखा होगा कि जो टच का पत्ता लगा होता है उसके अंदर एक छोटी सी आईसी लगी होती है। उस आईसी का कनेक्शन कहाँ से जाते हैं? सीपीयू से जाते हैं। I2C डाटा क्लॉक से कनेक्टिविटी होती है, प्लस पावर आईसी से इसको वोल्टेज आते हैं। इन वोल्टेज को हम लोग दोस्तों कौन से वोल्टेज बोलते हैं? पुल अप वोल्टेज बोलते हैं। ये 1.8 वोल्टेज डाला जाता है। ये वोल्टेज के लिए 2-2 किलो का रेजिस्टेंस भी लगाए जाते हैं, 2.2 किलो में रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और इसके लाइन में कई बार ऐसा होता है जो वोल्टेज आ रहा होता है, इसके लाइन में भी एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल दिया जाता है। ये 0 ओम का रेजिस्टेंस होता है कि सप्लाई आएगी पहले, रेजिस्टेंस पे 1.8 वोल्टेज आएगा और दोनों 2-2 किलो ओम का रेजिस्टेंस में जो उसमें वोल्टेज चला जाएगा। तो वहाँ पर डाटा क्लॉक पे जब ये वोल्टेज डाटा क्लॉक पर डाला जाएगा तो इससे क्या होता है, डाटा क्लॉक का फ्लो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। वो पुल अप वोल्टेज क्यों डाले जाते हैं? पुल अप वोल्टेज इसलिए डाले जाते हैं ताकि हमारा सर्किट की वर्किंग स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर डाटा आ रहा होता तो फ्लो हो तो वोल्टेज मिल जाएगा, डाटा की स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब टच को काम करने के लिए हमारा दूसरा सिग्नल आता है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रीसेट लाइन बोलते हैं। उसके बाद टच को काम करने के लिए दूसरी सप्लाई जैसी है, इसको हम लोग बोलते हैं इन। इनका मतलब होता है इनेबल लाइन।
क्या बोला जाता है? इनेबल लाइन बोलते हैं। तो हमारे टच को काम करने के लिए कितनी सप्लाई जरूरत होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। छठवीं सप्लाई जो होती है वो तुम्हारी ग्राउंड होती है। कौन सी होती है? ग्राउंड। अब अगर आपके मोबाइल फोन में से टच काम करना बंद कर देती है तो इस तरीके से आपके कनेक्शन होते हैं और इन कनेक्शन को आपको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी कनेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, कोई भी कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कोई भी सप्लाई खराब हो जाएगी तो हमारे मोबाइल फोन में से वैसी समस्या आएगी, टच काम करना बंद कर देगी। अगर प्लग वोल्टेज खराब हो जाते हैं तो टच काम तो करती है लेकिन कई बार टच धीरे धीरे काम करती है, मतलब बहुत तेजी तक दबाओ कई बार खुलेगा कई बार नहीं खुलता, ऐसा भी हो जाता है। एक प्लग वोल्टेज ज्यादा बंद हो जाता है। टच के लिए इतनी सारी कनेक्टिविटी है, उसको उनको क्या करना पड़ता है? ये चेक करना पड़ता है। अब अच्छा यही पर थोड़ा सा एक चेंजेस ये हो जाता है, बाहर लाने के लिए होती है। तो अब बात करते हैं कि हम इस पूरे सर्किट को हम लोग चेक कैसे कर देंगे और इस टच की समस्या आने वाली समस्या को हम लोग ठीक कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि टच में आने वाली इतनी तरीके की सारी समस्या आती है कि या तो मोबाइल फोन में क्या हो जाता है, नो वर्क, मतलब टच बिल्कुल काम नहीं कर देती है, या तो मोबाइल फोन में से टच क्या दिक्कत आती है, हाफ शॉटिंग हो जाती है, सॉरी आधी काम करती है आधी काम नहीं करती, या तो मोबाइल फोन में से टच क्या होता है उल्टा सीधा काम करती है, या तो पर्टिकुलर कोई एरिया काम करना बंद कर देता है। तो अगर कोई भी टच की समस्या आती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको मोबाइल फोन खोलना है। मोबाइल फोन खोलने के बाद आपको पहला काम तो आपको दो टच ही बदलना है, क्योंकि टच का खराब होने का सबसे ज्यादा रेशियो यही रहता है कि टच गिरने से, डैमेज होने से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ब्रोकन होती है। तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। और मार्केट में अगर आपके मोबाइल फोन में से कई बार ऐसा देखा जाता है टच तो काम कर रही है लेकिन डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाती है, डिस्प्ले खराब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है कि पूरा स्क्रीन ही बदला जाता है, काम्बो ही बदला जाता है लेकिन अलग से डिस्प्ले नहीं आता, क्योंकि आएगा तो पूरा काम्बो आएगा, ये तो ग्लास मार्केट में मिल जाता है, टच मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसका काम्बो का डिस्प्ले मिल जाए और टच अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं, पूरा ही आएगा वो। तो आप इसी में जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन पर पूरा काम्बो ही चेंज करना होता है।
अब अगर मान लिया तुम्हारे टच काम करना बंद कर देती है, तो आप सबसे पहले यूएस क्या करेंगे, काम को चेंज करेंगे, टच स्क्रीन चेंज करेंगे, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है, तो अब आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलने के बाद टच जैक जो होता है, टच जैक को दोस्त आप क्या करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद सही हो जाएगा तो ठीक है, अगर टच जैक साफ करने के बाद आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती, फिर भी समस्या सेम रहती है, तो टच जैक में आप क्या करेंगे, आप इसकी जितने भी सप्लाई की पिन है उनको चेक करेंगे। आप कौन कौन सी सप्लाई की पिन होती है, एक नंबर सप्लाई पिन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा ग्राउंड टू ग्राउंड, आप इन लाइनों को चेक करेंगे। अच्छा, आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कौन सी लाइन तुम्हारी रीसेट की है, कौन सी आई2C डाटा है, अभी कौन सी लाइन चेक करेंगे। तो आप जितनी भी सारी लाइनें हैं तो सारी लाइन चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करने पर दो GR वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, GR वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पे GR वैल्यू आता है तो GR वैल्यू आने से आपको ये पता चलेगा कि आपके मोबाइल फोन से ये ट्रैक है। अगर GR वैल्यू नहीं आता, GR वैल्यू ना आने का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में ट्रैक क्या हो गया, खराब हो गया। तो ट्रैक खराब हो जाने का मतलब क्या होता है, आप उसके लाइनों से जो ट्रैक लगा हुआ है या जो कंप्यूटर लगा है आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी तरीके से आप जितने भी सारे सर्किट है सारे सर्किट में आप चेक करेंगे, इसमें दोस्त आपको GR वैल्यू आना चाहिए। अगर GR वैल्यू आता है तो ट्रैक सही है, GR वैल्यू नहीं आता या इसमें भी आने लगती है तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में ट्रैक क्या हो गया। तो आप उसके जो लाइन में कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अगर आपने इसको चेक कर लिया, इसको चेक करने के बाद फिर भी आपके मोबाइल फोन में से टच काम करना बंद कर देती है, तो आप उसके लाइन में से जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको चेक कर लिया फिर भी समस्या सेम है, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन पर आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। कई बार पोको को मोबाइल फोन है या रेडमी का मोबाइल फोन है या और भी बड़े मोबाइल फोन उन्होंने देखा गया है कि मोबाइल फोन चालू करो तो पूरा मोबाइल फोन चालू हो जाता है लेकिन उसमें टच नहीं काम करता, नया कॉम्बो लगाओ तो उसमें भी नहीं काम करता। हमने सर्किट चेक कर लिया तो सर्किट भी सही बता रहा है, ये सर्किट में नहीं बता रहा तो उसके लाइन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि टच इतनी सारी लाइनें होती सीधे CPU में चली जाती है, उसके बीच में कोई कंपोनेंट, कोई प्रोटेक्शन, कोई फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन पर अगर टच काम करना बंद कर देती है तो आप टच आईसी टच को क्या करेंगे, निकालेंगे, साफ सूफ करेंगे, साफ सूफ करने के बाद उसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के बाद मदरबोर्ड में उसको फिर से दोबारा उठाएंगे, तब आपका मोबाइल फोन में टच काम करेंगे। तो यदि आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं अगर उसमें टच काम करना बंद कर देती है तो आप ऐसे सर्किट को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब उसी तरीके से यदि आपके पास मोबाइल फोन आता है जिसमें से टच कॉम्बो के अंदर इनबिल्ट होती है, क्या होता है, टच कॉम्बो के अंदर इनबिल्ट होती है, जब टच कॉम्बो के अंदर इनबिल्ट होती है तो सेम वही पिन को चेक किया जाता है जो उसमें से मैंने चेक करने को बताया, सेम वही पिन इसमें भी चेक करते हैं। ऐसी कंडीशन पर सबसे पहली बार हम लोग डिस्प्ले जैक को साफ सुथरा करते हैं, डिस्प्ले जैक साफ सुथरा करने के बाद नहीं सही होता, जितने सारे पिन है सारे पिनों को चेक करते हैं, सारे पिनों में कुछ नहीं मिलता, सारे पिनों में चेक करने पर अगर हमको कुछ नहीं मिलता, ये सारी पिनों को क्यों मिलती हैं, तो फिर हम लोग इसके लाइन में से GR वैल्यू चेक किया, GR वैल्यू नहीं मिलता तो इसके लाइन में कंपोनेंट को चेक करते हैं। अगर सारे ट्रैक ओके हैं तो ऐसी सिचुएशन पर आप मोबाइल फोन के अंदर से CPU को भी क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, उससे सर्किट में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अगर टच की ऐसी समस्या आती है तो टच की ऐसी समस्या पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब राहुल अपना लैपटॉप लाइए जरा, मैं इसको सर्किट से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए टच को काम करने के लिए कौन कौन सी लाइनों को चेक करना होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहली बार टच को चेक करने के लिए हमारी कौन सी लाइन होती है, रीड एक लाइन होती है, आई2सी डाटा, तो जितनी लाइनें होती है उनकी लाइनों को हम लोग को क्या करना होता है, चेक करना पड़ता है। अगर इतने लाइनों में कोई खराबी होगी तो आपके मोबाइल फोन में से टच काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर वो कैप लाइन तो लाइटिंग में भी आता है सेक्शन में, कैप लाइन उसमें तो आता है, मतलब इधर आगे आए रहते हैं और लाइटिंग में नहीं आएगा, पर वो कंसीडर की है, सिंपल आता है, एक ही बात है, एक ही बात है।
जो आईसी एक दूसरे में कॉमन हो जाती है, जैसे मान लिया लाइट आईसी कॉमन हो गई, चार्जिंग आईसी कॉमन हो गई, तो सबका एक दूसरे डाटा अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा, तीनों का एक ही डाटा जाएगा। Thank you.
चालू हो जाएगा।
अब उसके बाद टेस्ट को काम करने के लिए जब आपने डाटा क्लॉक लाइन चेक कर लिया तो डाटा क्लॉक के बाद दो लाइन और बचता है, एक होता है रीसेट कौन सा लाइन होता है। अगर आप देखेंगे तो तुम्हारा रीसेट और इस लाइन है पिन नंबर 9, पिन नंबर 7, पिन नंबर 9 7 के लाइन में भी डायोड लगा है, यही इनर डायोड लगा हुआ है, पिन नंबर 9 7 के बाद सप्लाई आगे जाएगी, फिर आगे तुम्हारा काम पर गया हुआ है, ये रजिस्टर पर गया है इन एंड रीसेट। ये हमारी सप्लाई कहाँ जाएगी, ठीक है हमारा डाटा क्लॉक की लाइन आ गई, हमारी रीसेट की लाइन आ गई, ये हमारी लाइन आ गई, तो हम दोनों लाइन को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी खराबी आ जाएगी तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को रिकॉल करना पड़ेगा। हमेशा सीपीयू में बीच की पिनें जो सप्लाई होती है, साइड की जो पिनें होती है, कंट्रोलिंग और कनेक्टिविटी की पिनें होती है, ठीक है। अब आप एक बार टेस्ट सर्किट में बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में दोबारा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ, चेक करा देता हूँ। पहले आप इसको बना लीजिए, फिर आप नीचे वाले का बनाइएगा। तो ये हमने दोनों बना रखे हैं, इनबिल्ट का भी बना दिया और अलग अलग का भी बना दिया है।